एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो या दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2021. सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. एंड या गाइस, इन दिस वीडियो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स टू आमा कैफे विच इज इन मजनू का टीला. एंड आई हर्ड सो मच अबाउट दिस प्लेस एंड आई एम विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड या मैंने इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा सुना है और जो फूड है वो भी बहुत डिलीशियस लगता है पिक्चर्स में. बहुत काफी टाइम से वहां पे विजिट करना चाहती थी बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था. प्लान बनता था बट कैंसिल हो जाता था. सो टुडे आई एम विजिटिंग देयर फाइनली एंड अक्षय इज विद मी. सो से हाय अक्षय. हेलो. सो या आई एम गोइंग देयर विद हिम. यू आर विजिटिंग फॉर द सेकंड टाइम. या ही इज विजिटिंग फॉर द सेकेंड टाइम. मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है जगह के बारे में बट या सो आई गोना रिव्यू अबाउट द फूड प्लेस एंड एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. क्या कर रहा है? कोई मुंडे या नहीं तेरे? ब्राउन रंग में नहीं. आफ्टर पार्किंग आवर कार वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू अमर कैफे. देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस. लाइक बहुत क्यूट क्यूट और अमेजिंग कैफेज हैं. ओके सो देयर इज अमर कैफे. Guys, finally we are here after waiting for almost 1 hour. We are here and we got a table for two and we ordered three things like choco java frappe if I'm not wrong, and the second is molten cheese fries and the third one is four cheese pizza. Mera bahut man tha pancakes khane ka. मेरा दिल टूट चुका है ऐसे इसके लिए. चीज़ हो रही है पैनकेक्स. आई वॉज वेटिंग कि मैं आई भी हूँ ना यहाँ पे सो पैनकेक्स खाने के लिए बट यहाँ पे मैंने जब ऑर्डर करी थी तो उसमें मैंने वेज ओनली कर दिया एंड उसमें ना पैनकेक्स अवेलेबल मतलब शो ही नहीं हो रहा था. देन आई आस्क्ड अ पर्सन कि इसमें पैनकेक्स क्यों नहीं आ रहे. सो दे टोल्ड मी कि आपने ये वेज ओनली करा है एंड पैनकेक्स में एग होगा. सो दैट्स वेरी सैड. मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है मैं पैनकेक्स नहीं खा सकती बट यार घर पे मैं बनाती हूँ पैनकेक्स. उसमें मतलब ऑप्शन होता है कि आप एग डाल सकते हो बट ऑफ कोर्स ही बात है वो यहाँ पे नहीं है. सो लाइक दे आर मेकिंग पैनकेक्स विद एग्स. वी हैव हियर आवर फूड. दिस इज चोको जावा चिप फ्रैपे एंड दिस इज फोर चीज पिज्जा एंड दिस वन इज मोल्टन चीजी फ्राइज विद थ्री डिप्स. सो या लेट्स डिग इन. तो ये फ्राइज पेरी पेरी हैं? नहीं, दिस इज मोल्टन चीज फ्राइज. ये फाइनली इमदादा ने मुझे सर्व कर दिया. After waiting of 15 minutes, I'm here. Wing. So guys, finally. मुझे you know मुझे pictures click करनी होती है. Guys, let's talk about the food. So how did you like the food? So pizza was extremely good and frappe was good. I really liked it. But I hate the fries. ये मैंने खत्म करे गाइस. वैसे ऑर्डर अक्षय ने करे थे. नो ऑर्डर मतलब पेरी फ्राइज बोला था बट मैंने उसको बोला वो ऐसी. बट हाँ ये मैंने ही खाए क्योंकि मैं फूड वेस्ट नहीं करना चाहती थी. एंड बट अच्छे नहीं थे. लाइक आई विल गिव 6 out of 10 एंड यू आर गिविंग 6 out of 10. ओके फॉर पिज्जा. पिज्जा इज 8 out of 9. ओके फ्रैपे इज 10 out of 10 फॉर मी एंड फॉर यू. ओके सो द प्लेस इज रियली अमेजिंग. द वाइब्स आर गुड. सो गाइज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टू आवर होम.
So yeah, that's it for the day. And the food was good. Like the ambience was also good. But हाँ, I need to try like some more cafes here. So अभी के लिए तो अमा कैफे ही था. Next time I'll visit any other cafe. So I'll update you. So yeah. बाकी आज हमने like 1 hour wait करा है for the table. But I don't think so इतना weekdays में होता होगा, right? Weekdays में हाँ इतना तो नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा wait कभी कभार. Like depend on the day. Yeah. So आज weekend था तो I think so मतलब बहुत crowded था, मतलब ऐसे. But हाँ social distancing था इतना, मतलब cleanliness भी थी और sanitization बहुत ज़्यादा अच्छी थी. हाँ. So yeah. Like after like leaving. अदर भी जगह गए हैं, लेकिन इतना sanitize नहीं होता, लेकिन यहाँ था. सो अगर आप लोगों ने यहाँ पे विजिट नहीं किया है अब तक, सो प्लीज आइए और एक बार तो विजिट करना चाहिए. सो क्योंकि खाना बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल भी है. सो हमारा जो बिल था वो 667 का था, लाइक फॉर द 3 things. एंड आई थिंक इट्स गुड. सो क्योंकि इतना अफोर्डेबल आई डोंट थिंक सो होता है. द पिज्जा कॉस्ट वॉज 250. So yeah, so that like I think that's good and the size was also good. So ये third parties की जो मैं pancakes नहीं खा पाई हूँ, और अगर आप लोग वो pancakes खा सकते हो, so you guys should come here and वो pancakes जरूर try करो. क्योंकि मैं देख रही थी वहाँ हर table पे ना pancakes ही जा रहे थे, and I was like literally crying कि मैं मतलब मैं वो खा नहीं सकती थी. हाँ, वेज ऑप्शन होना चाहिए. बट या कोई बात नहीं. सो अगर आप लोग वो खा सकते हैं तो प्लीज आइए और ट्राई कीजिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में बताना अगर लाइक आप विजिट करते हो वहाँ पे तो पैनकेक्स कैसे थे. हाँ, अगर आप कर भी चुके हो ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना इन कमेंट बॉक्स.